यार मैं सोच रहा था कि मेरे स्कूल में जो ना कोई इज्जत विज्जत नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं मिली कभी वो। फिर सोचा क्यों नहीं मिली, तो इसका एक रीजन था। मुझे एक बार स्कूल असेंबली में न्यूज़ बोलने के लिए मिला था। और तुम्हें एक चीज बता दूं, ये जो न्यूज़ वाले बोलने वाले होते हैं ना, इनकी कोई इज्जत विज्जत नहीं होती भाई। मतलब एक ये पर्टिकुलर टाइप के लोग होते हैं जो न्यूज़ बोलते हैं असेंबली में हमारे जैसे, मतलब जिन्हें बस दे दिया जाता है कि भाई चलो तुम कुछ नहीं कर रहे तो ये तो करो। और थॉट वाला जो थॉट बोलते हैं उनके सामने तो मतलब तुम कुछ नहीं हो भाई, यू आर नथिंग। तो जब न्यूज बोलने के लिए मिला तो मैं तो भाई नर्वस था पूरे दिन। घर पहुंचा तो मम्मी को बताया तो मम्मी बहुत खुश थी कि चलो लड़का कुछ तो कर रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़वा रहे हैं तो कुछ तो बोलेगा। लेकिन पापा भी, यार पापा की नजरों में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, उन्होंने तो इग्नोर कर दिया मुझे पूरा जब मैंने बताया कि मुझे न्यूज बोलनी है। मैंने उनसे बोला कि कल टाइम्स ऑफ इंडिया मंगा लेना दैनिक जागरण की जगह। लेकिन भाई अगले दिन दैनिक जागरण ही आया। मैंने कहा अब मैं न्यूज कैसे लिखूं, तो वो कह रहे इस पर कन्वर्ट कर ले अगर तुझे इतनी इंग्लिश मीडियम पढ़ता है। लेकिन मैं कन्वर्ट किया भाई, मैं इतना बेकार नहीं था, मैंने जो कन्वर्ट किया है कन्वर्ट करके मैंने जाके न्यूज बोली वहां पे। तो यार बिजनौर में आई आंधी और बारिश, बिजनौर केम थंडर स्टॉर्म अलोंग विद रेन, इसमें गलत क्या है भाई? इतनी जो तालियां बजी ना, लेकिन तालियां उन्होंने बजाई जो मेरी तरह न्यूज बोलते हैं। लेकिन भाई उस दिन के बाद मैंने अपनी इज्जत पूरी खो दी इसको, कभी नहीं बोलना भाई इससे। तो मतलब मेरे कैरियर पे दाग लग गया भाई असेंबली में न्यूज बोल के। इससे तो ना बोलो ना भाई, जब नहीं आती मत बोलो, चुप रहो। उस दिन के बाद कोई इज्जत नहीं बची मेरी स्कूल में, बर्बाद हो गया मैं। कभी न्यूज मत बोलना भाई, कभी न्यूज।